अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट निमन। एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज भी है और एक समझ लीजिए कि हमारी डिस्कशन भी है। और न्यूज ये है कि यहां पर जिस सिटी के अंदर मैं हूँ, यहाँ की इकोनॉमी जो है, यहाँ की जो मैशियत है, इसके अंदर चाइनीज जो कंपनीमेंट का बहुत ज़्यादा होल्ड है, बहुत ज़्यादा चाइनीज लोग एक सिटी के अंदर आबाद है। लेकिन कोरोना वायरस आने के बाद से वो लोग जो है बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं। उन लोगों के जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर उसका बहुत बुरे असरात जो है वो आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये कोरोना वायरस जो कि चाइना से चला था, जिसने अब तक तकरीबन 27 कंट्रीज को इफेक्ट किया है, हिट किया है, तो जो इटालियन इकॉनमी है आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी इसके बहुत ही बुरे असरात आने वाले हैं। और जो लोग यहाँ पर फॉरनर इटालियन मूवी हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अपनी जॉब के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइनीज इंडस्ट्री है बहुत बड़ी तादाद उसको एकदम से बंद कर दिया गया। ये जो सिटी है पराटो, इसके अंदर कपड़े की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, जो जहाँ से जो कपड़ा है ये सारा बंद कर पूरे यूरोप के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका कैनेडा के अंदर जाता था, एकदम से इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ी तादाद में बंद कर दिया गया, लोगों की अपनी तरफ से बंद कर दिया गया। उसके बाद जो उनके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उनको गैर महीने मुद्दत तक ये छुट्टी को भेज दिया गया। और लोग इस बारे में परेशान हैं। तो आज हम लोग विजिट करेंगे मुख्तलिफ स्ट्रीट्स को, जगह को, हम लोग वहाँ जाएंगे और कोशिश भी करेंगे कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज भी करें, क्योंकि जो कस्टमर है इस वक्त जो सारा फैट जो चीज इस्तेमाल करता था चाइना की, उसने एकदम से अपना हाथ हटा दिया, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक परेशानी चल रही है कि कहीं इसके अंदर वो कोरोना वायरस मौजूद ना हो, उसकी वजह से वो जो है वो इफेक्टेड ना हो जाए, उसकी फैमिली जो है वो इफेक्टेड ना हो जाए। तो हर शख्स जो है वो चाइना में मिली हुई चीज़ जो है उसको खरीदने से गुरेज कर रहा है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसको आखिर तक देखिए। आप हम चलते हैं बाहर और चलते मुख्तलिफ चाइनीज लोगों से मिलते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्रिकॉशन और लोगों को इंस्ट्रक्शन पास की है कि जब वो किसी से मिलें तो कोशिश करें कि हाथ में मिलाएँ और इसके अलावा बात करें। हाँ जी, तो नाज़रीन मैं पहुँचा हूँ बरातों के उस एरिए के अंदर जहाँ पर चाइनी जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर आबाद हैं, ताकि अपने देखने वालों को दिखा सकूँ कैमरे की आंख से। ये देखिए जो कोई चंद एक शॉप्स ओपन भी हैं उनके अंदर भी कस्टमर जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो चाइनी जो चाइनीज़ लोग हैं वो खुद से इस वायरस के खौफ का शिकार हैं। और ये बिल्कुल वही जगह है कि जहाँ दिन के वक्त जो है आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलते थे। आप देख सकते हैं कि जितनी भी शॉप्स हैं, जगह हैं, ये सब जो है वो इसी तरह पड़ी हुई हैं। कोई बड़ी तादाद में यहाँ पर कस्टमर जो है वो नहीं है, बल्कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी शॉप्स हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ इस छोटे से शहर के अंदर 50,000 से ज़्यादा जो चाइनी हैं वो आबाद हैं। और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने तो इस एरिया की तरफ आना ही छोड़ दिया। ये सब सामने जो है वो चाइनीज़ के रेस्टोरेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, इनमें से अक्सर बेशतर जो हैं वो बंद पड़े हैं। और इनके अंदर जो लोग मुलाजमत करते थे वो ज़्यादातर फॉरनर ही थे, जिनका तल्लक या तो चाइना से था या पाकिस्तान बांग्लादेश से था। और वो लोग जो है वो इस बारे में सख्त फिक्रमंद हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये जो क्राइसिस हैं ये कब तक चलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इसने जो करोना वायरस है वो पूरी दुनिया को हिट किया है, सिर्फ चाइना को हिट नहीं किया, क्योंकि चाइना जो है उसने एक स्ट्रेटजी के तहत जो है वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखा है कि कोई भी जो दुनिया के अंदर प्रोडक्ट जो है वो तैयार होती है तो वो चाइना से ही बन के आती है।
जो शॉप्स ओपन भी हैं तो उनके अंदर कोई भी जो कस्टमर है वो नहीं है, शॉप्स खाली पड़ी हैं। ये इनके रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इस वक्त भरे पड़े होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई कस्टमर मौजूद नहीं है। चंद एक कस्टमर जो है वो यहाँ पे हैं। देख सकते हैं आप चाइनीज शॉप्स जो है बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। ये जो फैक्ट्रीज हैं जो कि बंद कर दी गई हैं गैर मुइना मुद्दत के लिए, ये आ गया आप वो देख रहे हैं जी कि शॉप्स जो हैं वो बड़ी तादाद में बिल्कुल बंद पड़ी हैं, फैक्ट्रीज़ शॉप्स और जो चंद एक दुकानें खुली हैं उनके ऊपर भी कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर। तो इस वायरस ने सिर्फ चाइना को ही इफ़ेक्ट नहीं किया, ओवरऑल इसने पूरे वर्ल्ड को कोरोना वायरस ने इफ़ेक्ट किया, और इस चीज़ का जो इकॉनमी के ऊपर असर पड़ेगा चाइना की या बाकी दुनिया की वो आने वाले दिनों के अंदर लोगों को रियलाइज़ होगा, क्योंकि इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आते रहेंगे। तो देखना ये है कि कितनी जल्दी जो है वो इस वायरस के ऊपर चाइना जो है वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिल वक्त इसने चाइना की इकॉनमी को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि चाइनीज़ लोगों का इस शहर में बहुत ज़्यादा बिज़नेस है, और ख़ास तौर पे जो कपड़े का बिज़नेस है यानी जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है, इस सारी इंडस्ट्री को तकरीबन चाइनीज़ लोग जो हैं वो होल्ड करते हैं, और यूरोप से बाहर से रशिया वगैरह से हर रोज़ जो है वो हज़ारों की तादाद में कस्टमर जो हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए इस शहर के अंदर आते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये देखिए कि सड़कें जो हैं वो सुनसान पड़ी हैं इस एरिया की, और लोगों ने इस एरिया की तरफ आना जो है वो भी छोड़ दिया सिर्फ कोरोना वायरस के खौफ की वजह से। हाँ जी, तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि चाइना जो है वो बहुत जल्द इस वायरस के ऊपर काबू पा लेगा, और मेरा आज का वीडियो ब्लॉग जो है उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको पसंद आएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सब दोस्तों से, देखने वाले नाज़रीन से कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझे जो है वो लाइक्स देंगे इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो मैं इतनी ही ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो इस चैनल के ऊपर मज़ीद अपलोड करूँगा। अपना और अपने पास रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।